मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल शिखास किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस रेसिपी को। दोस्तों, आज मैं आपके साथ रबड़ी बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है। जब भी आप रबड़ी बनाएं तो हमेशा फुल फैट मिल्क का यूज़ करें। जितना अच्छा गाढ़ा दूध होगा उतनी ही स्वादिष्ट हमारी रबड़ी बनेगी। तो एक लीटर दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, साथ ही दूसरे बर्तन में भी जो थोड़ा सा दूध रखा है उसमें से मैं आधा दूध डाल रही हूँ। कुल मिलाकर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है। जब भी रबड़ी बनाना है हमेशा थोड़ी से भारी तले वाली कढ़ाई का यूज़ करें, इससे दूध नीचे चिपकता नहीं है। तो गैस चालू कर दिया है और दूध को मैंने उबलने रख दिया है। अभी मैंने गैस की फ्लेम हाई पर रखी है। जैसे ही दूध में उबाल आएगा हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं दूध में खूब अच्छी तरह से उबाल आने लगा है और इसे उबलते हुए करीब करीब 5 से 7 मिनट हो गया है। बीच बीच में इस तरह से चलाना बिल्कुल ना भूलें ताकि दूध नीचे से चिपकना ना पाए। लगातार आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कि आप सोचें कि अरे हम खड़े रहें और चलाएं। साथ साथ मैं अपने घर का दूसरा काम भी करती जा रही हूँ और बीच बीच में दूध को हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि अब गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो है, कोई भी डर नहीं है दूध के चिपकने का। दोस्तों, घर की बनी हुई रबड़ी का तो स्वाद ही कुछ अलग होता है और बिल्कुल कोई भी हम स्पेशल सामान यूज़ नहीं कर रहे हैं। दूध के सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं दूध को उबलते उबलते बहुत लंबा टाइम हो चुका है, 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैंने एक लकड़ी का स्पैचुला लिया है और वो इस कढ़ाई के ऊपर रखूंगी। इससे दूध में कभी भी उफान नहीं आता। यदि मैं स्टील वाले बर्तन को रखती, स्टील वाले चम्मच को रख देती दोस्तों, तो वो गर्म हो जाता और जब हम दूध को चलाते तो हमारा हाथ जल जाता। तो स्टील के स्पैचुला को मैंने सिर्फ दूध के साइड साइड की जो मलाई जम गई है उसे खुरचने के लिए यूज़ कर रही हूँ और बाद में मैं इस कढ़ाई के ऊपर लकड़ी वाले चम्मच को रख देती हूँ। इससे उफान नहीं आता और दूध गिरने नहीं पाता है। बीच बीच में आप मलाई को खुरचना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं कढ़ाई के साइड साइड में बहुत सारी मलाई जमा होती जा रही, तो उसे मैं इसी तरह से खुरच खुरच कर इस दूध में डालती जा रही हूँ। तो अब इसे उबलते हुए पूरे 25 मिनट हो चुके हैं, 25 से 30 मिनट करीब करीब होने आए। आप खुद देख सकते हैं 1.5 लीटर जो दूध था वो करीब करीब आधा लीटर दूध ही बचा है। बहुत अच्छा दूध में गाढ़ापन आ गया है दोस्तों, परंतु अभी हमें इसे और उबालना है रबड़ी के लायक। तो आप देख सकते हैं पूरी कढ़ाई भर के दूध था, आप दूध के निशान से देख रहे होंगे, जो कि मुश्किल से 1/4 बचा है। यहाँ पर मैंने हरी इलायची को पीस कर रखा है, हरी इलायची का पाउडर तैयार करके रखा है। तो 1/4 टीस्पून हम इसमें हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। रबड़ी में इलायची का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो अपने पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरे 35 मिनट्स पूरे कंप्लीट हो गए हैं और रबड़ी करीब करीब तैयार हो गई। दूध बढ़िया गाढ़ा हो चुका है, खूब अच्छी तरह से दूध औट चुका है। आधा कटोरी मैंने शक्कर डाला है। यदि आप थोड़ी सी ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद करते हैं तो पूरी 1 कटोरी भरकर शक्कर डालें। मैं शक्कर बहुत कम यूज़ करती हूँ, वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा मीठी कोई चीज़ नहीं खाना चाहिए। दूध में अपने आप में थोड़ी स्वीटनेस होती है तो अपने आप ही रबड़ी थोड़ी सी मीठी रहती है। और फिर हमने इसमें शक्कर भी डाल दिया है। हरी इलायची का पाउडर मैंने डाला है, इससे रबड़ी में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और मीठी चीज़ों में हरी इलायची के पाउडर का जो टेस्ट आता है दोस्तों, वो तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो अभी भी आप देख रहे हैं रबड़ी में बढ़िया उबाल आने लगा है और अब आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद की शूटिंग है। मैंने कढ़ाई से रबड़ी को खाली कर लिया है, आप इसका गाढ़ापन देख सकते हैं। ठंडी होने के बाद मैंने इसे फ्रीज में रखा था। जब भी हम मीठी चीज़ों को उबालने के बाद फ्रीज में रखते हैं तो अपने आप ही उनमें गाढ़ापन आ जाता है। तो बहुत ही बढ़िया, एकदम गाढ़ी गाढ़ी हमारी रबड़ी तैयार हुई है। अब इस रबड़ी को आप थोड़ा सा और ठंडा करें और अपने पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। तो थोड़े से पिस्ते की कतरन से मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। तो दोस्तों, देखा ना कितना आसान है रबड़ी को बनाने का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक। तो दोस्तों, रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।